राम राम सा। मू हृदय एक तारे, मू कक्षा चौथी में पढ़ू हूँ। मू आज आपन सामना एक कहानी प्रस्तुत करूँ। जी को शीर्षक है चूहा और मेंढक। एक था चूहा और एक था मेंढक, दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। हर दिन मेंढक चूहे के घर जाता था, पर कभी भी चूहा मेंढक के घर पे नहीं आता था। इसी बात से मेंढक चूहे से नफरत करने लगा। वो रोज उसके घर पे जाता था, पर इस बार जब वो उसके घर पे जा रहा था तब वो एक योजना के साथ में गया। जब मेंढक चूहे के घर पे पहुंचा तो उन दोनों ने बातचीत करना शुरू कर दी। बातचीत करने के बाद में जब मेंढक अपने घर तालाब की ओर निकल पड़ा, तब उसने एक रस्सी का एक हिस्सा चूहे की दुम पे बांध दिया और दूसरा हिस्सा अपने पैरों पे। फिर वो वहां से तालाब की ओर निकल गया। चूहे ने रस्सी काटने की बहुत कोशिश की, पर वह नाकामयाब रहा। जब मेंढक तालाब की ओर पहुंच गया तो उसने गहरे पानी में डुबकी लगा दी। बेचारा चूहा भी उसके साथ में चला गया। उसको तैरना नहीं आता था, इसलिए वह डूब के मर गया और तालाब के सतह पे आ गया। वहीं से एक उड़ती हुई चिड़िया जा रही थी। उसे चूहा दिखा। वह बोली, आहा चूहा, आज तो खाना खाने में बड़ा मजा आने वाला है। कहते ही वह उसे झपट कर ले गई। बेचारे चूहे के साथ में बेचारा मेंढक भी चला गया। उसने देखा तो मेंढक भी था। उसने सोचा, अरे वाह, चूहे के साथ में मेंढक भी मुफ्त। ये कहते ही वो उन दोनों को खा गई। अनी कहानी थी ये शिक्षा मले कि कभी कनी को बुरो नहीं सोचनो। राम राम।